हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, चपरासी के पदों के ऊपर भर्ती है। 12 पद रहेंगे, 2 मई लास्ट डेट रहेगी। पटना व जहानाबाद जिले व पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में चपरासी के पदों के ऊपर भर्ती है। 12 पद है टोटल। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा आपका। 18 से 24 साल आयु रहेगी। 14,500 से 28,145 रुपये तक वेतन रहेगा। 12वीं पास की होनी चाहिए। 12वीं में अधिक योग्यताधारी आवेदन न करें। आप 12वीं तक के डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डॉक्यूमेंट मतलब ज़्यादा क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट न लगाएं, 12वीं तक के लगाएं। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार की जाएगी। SC ST के लिए 29 वर्ष, OBC के लिए 24 वर्ष, SC ST दिव्यांग के लिए 39 वर्ष, OBC दिव्यांग के लिए 37 वर्ष, सामान्य वर्ग के दिव्यांग के लिए 34 वर्ष। 1984 में दंगों में मृतकों परिजनों को 27 वर्ष व भूतपूर्व सैनिकों को 45 वर्ष तक की आयु की छूट होगी। आवेदन निःशुल्क रहेगा। आप अपने शहर के किसी भी फॉर्म विक्रेता से आप फॉर्म खरीद सकते हैं। नियुक्ति स्थल रहेगा आपका जहानाबाद व पटना जिला में स्थित PNB बैंक शाखाएं। आरक्षण आपका जो सीटें रहेंगी वो इस प्रकार रहेंगे। पटना में सामान्य की 4, OBC की 3, SC की 2, EWS की 1। जहानाबाद में सामान्य की 2। आरक्षित वर्ग में आवेदन सामान्य वर्ग आवेदन न करें। नोट, कुल पदों में से 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेंगे। आपको फॉर्म 2/5/2022 से पहले फॉर्म भेजना है और फॉर्म भेजने का पता आपका इस प्रकार है। मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विभाग पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय पटना, दक्षिण चांदपुरा भवन, पश्चिमी गांधी मैदान, बैंक रोड पटना 80001 के बिहार के पते के ऊपर आपको फॉर्म साधारण डाक या पंजीकृत स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुँचाना है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, व्यक्तिगत कोरियर व साधारण डाक के द्वारा फॉर्म न भेजें, आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। नोट, ध्यान रखें भाई, आपने फॉर्म स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजना है। साधारण और कोरियर या व्यक्तिगत रूप से अगर आप फॉर्म लेके जाते हो या भेजते हो तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ संकलित किए जाने वाले दस्तावेज शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, EWS जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिला रोजगार पंजीयन में प्रमाण पत्र प्रतिलिपि यदि आपने पंजीकरण करवा रखा है तो भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित, अगर आप भूतपूर्व सैनिक से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके दस्तावेज आपको PPO, ID कार्ड तथा LPC की प्रतिलिपि साथ में लगानी है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतिलिपि यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं फॉर्म में। आवेदन में आपको अधीनस्थ स्वर्ग व चपरासी के पदों के भर्ती हेतु आवेदन व कैटेगरी का नाम अवश्य लिखना है। फॉर्म आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भर सकते हैं, पर किसी भी प्रकार की कटिंग या और कटिंग न करें, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप तक न्यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।